शुभमन गिल के शानदार अर्धशतक की बदौलत गुजरात टाइटन ने आईपीएल के 16वें सीजन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हरा दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया। राशिद खान ने 3 गेंदों पर 10 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शुभमन गिल ने 36 गेंदों पर 63 रन बनाकर गुजरात को जीत के करीब पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। विजय शंकर ने 21 गेंद पर 27 रन, रिद्धिमान साहा 21 गेंद पर 25 रन और साई सुदर्शन ने 17 गेंद पर 22 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या 8 रन बनाकर आउट हुए। राहुल तेवतिया 14 गेंद पर 15 रन और राशिद खान 3 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई के लिए राजवर्धन हंगेरकर ने 3 विकेट लिए, वहीं रविंद्र जडेजा और तुषार देश पांडे को 1-1 सफलता मिली। गायकवाड़ ने चेन्नई के लिए बनाए सर्वाधिक रन, चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा 92 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए। उनके अलावा मोइन अली ने 23 रन की पारी खेली। धोनी ने आखिर ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर टीम का स्कोर 7 विकेट कर 178 रन तक पहुँचाया। धोनी ने 7 गेंदों में 14 रन बनाए। गुजरात के लिए राशिद खान, अल्जारी जोसफ और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए, वहीं जोशुआ लिटिल को 1 विकेट मिला। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को लाइक करते हैं, गुजरात टीम को सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।